मैडम आज चेयरमैन मिले हैं, इस्तीफा दिया है, क्या पूरा मामला है? शामली नगर पालिका के चेयरमैन साहब और कुछ उनके वार्ड के सदस्य हैं, वार्ड मेंबर हैं, उन्होंने आज एक एप्लीकेशन दी है जिसको ये कह रहे हैं कि इस्तीफा के फॉर्म में दे रहे हैं। कुछ समस्याएं इनकी नगर पालिकाओं में इसकी नगर पालिका में चल रही हैं जिनका इन्होंने आज मेंशन किया है, जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि इस्तीफा आज फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे कि ईओ जो है उन्होंने एक लिपिक का सस्पेंशन कर दिया है, एक ये मुद्दा है। कुछ नगर पालिकाओं की ज़मीनों पर कब्जा है, ये मुद्दा है। कुछ अकाउंट्स का मिसमैच है नगर पालिका के रिकॉर्ड्स में, वो मुद्दा उन्होंने रेज किया है। तो वो एप्लीकेशन हम लोगों ने ले ली है और जितने मुद्दे इन्होंने रेज किए हैं उस पर एक टीम बना के जाँच कर ली जाएगी और अगर इनमें कोई विधिक कार्रवाई होनी है तो वो करी जाएगी। मैम पूर्व में भी कोई शिकायत इनके द्वारा दी गई थी? पूर्व में भी इनके नगर पालिका से संबंधित जितने इश्यूज हैं उसकी एप्लीकेशन देते रहते हैं चेयरमैन साहब और इनके जो सभासद हैं वो भी देते हैं और एज पर प्रोसीजर उनका डिस्पोजल भी है, वो किया जाता है। चेयरमैन साहब आज सभासदों के साथ आप कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है जो डीएम को ज्ञापन देंगे आप? डीएम को बहुत दफ़ा 15-20 चिट्ठियाँ हम लिख चुके हैं और उसमें 11,44,000 रुपये का भट्टा फाटा लिखा हुआ है ईओ ने। आज तक उन रुपयों का हिसाब नहीं दिया गया। 4,47,00,000 रुपये का बैंक में और हमारी कैश बुक में अंतर है, वो नहीं आज तक बताया गया। और ईओ अपनी मनमर्जी करते हैं, यहाँ से शासन का उन्हें प्रशासन का उन्हें सपोर्ट है इसलिए वो गड़बड़ शड़बड़ करते हैं। ये हमारी समझ में नहीं आया कब तक ये गड़बड़ चलेगी, हम अलग हट रहे हैं इससे। हम कई बार कह चुके डीएम साहब से हम अलग हटना चाहते हैं क्योंकि ये आप ठीक नहीं कर रहे। शासन ने भी आदेश कर दिया डीएम साहब को 2021 में कि भाई ये इसकी जाँच करी जा रही है, कोई जाँच अब तक हुई नहीं। जब जब हम डीएम साहब से मिले तब तक कहती रही एक हफ्ते का समय दे दो, एक हफ्ते का समय दे दो। कई बार हम मिले तो उन्होंने एक हफ्ते का समय कहती रही लेकिन उन्होंने अभी तक कराया कुछ नहीं। तो अब हम कुछ किसी का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, हम शासन में है नहीं, हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम अपने आप ही सरेंडर कर रहे हैं, हम अपने आप को ही सरेंडर कर रहे हैं कि हम हमारे बस के। तो आप त्याग पत्र दे रहे हैं अपने पद से? और कितने ऐसे सभासद हैं जो त्याग सभासद हैं? 117 उन्होंने किए। अच्छा, तो त्याग पत्र दे दिया है आपने? त्याग पत्र लाए हैं, देंगे डीएम मैम को जी।